राम की जन्मभूमि से आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम और आपका स्वागत करता हूं रॉयल यात्रा पर। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं सरयू के किनारे, जो कि अभी चर्चा का विषय बन चुका है। और सबसे पहले मैं शुरुआत कुछ करूं, उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन राम जो है अयोध्या पहुँचे थे 14 वर्ष का वनवास काट कर, और यहाँ पर जो नज़ारा होने वाला है वो किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मन मोह लेने वाला है, क्योंकि यहाँ जो लाइटिंग की होने वाली है वो पूरे विश्व स्तर के होने वाली है। हालांकि कल जो दीपोत्सव होने हुआ हो चुका है, और यहाँ और पीछे यही है सरयू नदी, और इस पुल को भी पूरी तरीके से सजा दिया गया है। जैसे ही अंधेरा आएगा वैसे ही ये पूरा का पूरा पुल भी चमकने लगेगा, और ये सारे के सारे लोग जो है पूरा यहाँ के लोग खचाखच से भर जाएंगे, और श्रद्धालु भरेंगे ही भरेंगे। तो आप आज का वीडियो थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। सरयू के किनारे पर आप देख सकते हैं 6 ट्यूब है, और 6 ट्यूब में से एक ट्यूब में से पानी आ रहा है। सरयू का जो पानी है यहाँ पर लाया जाता है, और फिर यही पानी इसी पौड़ी में, राम की पौड़ी में यहाँ पर डाला जाता है। देखिए कितनी तेज़ प्रवाह है। अब धीरे धीरे जो लाइटिंग की, जो लेज़र लाइट की जो सुविधा है, जो कार्यक्रम है, अब थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। तो ये देख सकते हैं कितना तेज़ प्रवाह हो जाता है यहाँ से सरयू नदी का। और अभी जब मैं आया था यहाँ पर थोड़ा भी पानी नहीं था, लेकिन हाँ अब यहाँ पर पूरा का पूरा पानी होने वाला है। लेज़र लाइटिंग अब शुरू होने वाला ही है। आप देख सकते हैं अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दीपावली के दिन 1,25,000
लिए जल रहा है, लेकिन मैं यहाँ वहाँ छोड़कर राम के पावन जन्मभूमि पर आया हूँ। जय हो। उद्घोष से पूरा सरयू तट जो है राममय हो गया है। अगर आप कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं तो मेरा हृदय गदगद से लाल हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अगर मेरी शब्दों से आपको कुछ असुविधा हुए या तकलीफ पहुंचे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल्पना नहीं कर सकते। देखिए एक सेकंड, मैं आपको पीछे का दृश्य दिखाऊंगा।